नमस्ते दोस्तों, सानुस फ्लावर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर भुना, बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स में। चलिए देखते हैं। मैरिनेशन के लिए एक बाउल में डालते हैं नमक आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक बड़ा चम्मच, नींबू का जूस दो बड़े चम्मच, तेल दो बड़े चम्मच। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाला के गुठलियाँ ना रह जाए। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर को बड़े क्यूब्स में काट लिया है। मसालों के साथ मिला लें। पनीर को अच्छे से मिलाकर मसालों के साथ कूट कर लें। इसे कम से कम 30 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख दें। पनीर को शैलो फ्राई करने के लिए एक अलग पैन में तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही मैरिनेट किए हुए पनीर को एक एक करके पैन में डालते जाएं। करीबन 5 मिनट एक साइड पकने के बाद पनीर को फ्लिप करके और 5 मिनट तक पकने दें। पनीर अच्छे से रोस्ट होने के बाद एक अलग बाउल में निकाल लें। पनीर को निकाल लेने के बाद जो पैन में तेल बच जाता है उसी में पनीर भुना मसाला सब्जी बनाएंगे। अब हम उसमें डालते हैं जीरा आधा चम्मच, तेज पत्ता दो, अदरक लहसुन का पेस्ट एक बड़ा चम्मच। अच्छे से सौते कर लें। अब हम इसमें डालते हैं एक कप प्याज बारीक कटा हुआ, नमक आधा चम्मच। प्याज को 2 से 3 मिनट अच्छे से पकने दें। दो से तीन मिनट प्याज को अच्छे से पकाने के बाद अब इसमें डालते हैं टमाटर की प्यूरी एक कप, काजू का पेस्ट दो बड़े चम्मच। इन सारे चीजों को अच्छे से मिला लें। ढक कर 5 मिनट तक लो फ्लेम में पकने दें। 5 मिनट हो चुके हैं, प्याज टमाटर अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालते हैं लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, जीरा पाउडर एक चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को भी एक चम्मच डाला है। सारे मसालों को अच्छे से मिला लें। जो पनीर के क्यूब्स हमने रोस्ट करके रखे थे इसमें डालेंगे। थोड़ा सा 2 बड़े चम्मच पानी भी डालेंगे। एक बार अच्छे से मिला लें। ढक कर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने दें। पर से बारीक कटा हुआ ताजा हरा धनिया डालेंगे। ये हमारा पनीर भुना मसाला रेडी है। बहुत ही आसानी से घर पर भी बना सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर भुना मसाला। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस चैनल में आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। थैंक यू।